इस समय आपकी एज उम्र कितनी है? 26। 26 साल। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? 62004। ठीक है। क्या परेशानी है आपको? सर ये मेरे को हाथ में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ये पेन छूट जाता है, ग्रिपिंग सही नहीं होती है, और ये यहाँ पे नीचे के हिस्से में इन दो उंगलियों में इनके हाँ, बीच में जो ये खड्डा है यहाँ से मेरे को पेन होने लग जाता है ज़्यादा लिख लेता हूँ तो, हाँ और ये जैसे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पेन किधर भी भग जाता है ऐसे, जैसे हाथ लिखूंगा तो ये ऐसे नीचे आ गया, ये लिखूंगा तो ऊपर चला गया, ये जैसे इधर लिखूंगा तो ये ऐसे हो जाता है सर, और ये इस करता हूँ तो ये खड़ा हो जाता है, ऐसे पेन एकदम ऊपर चला जाता है, जैसे जैसे इसको टाइट पकड़ने की कोशिश करूँगा ये इसकी ग्रिपिंग वो वैसे ही स्लिप होता जाएगा स्लिप होता जाता है। जी सर। तो पेन स्लिप कहाँ से होता है, जैसे किस पेन हिस्से से? ये या तो ये अंगूठा अपनी जगह छोड़ देगा या इसी ये उंगली यूज हो जाएगी। अच्छा, उंगली या तो ये तो या तो ये तर्जनी उंगली सीधी हो जाएगी या तो अंगूठा अपनी जगह से स्लिप हो हाँ जाएगा, जी सर, ये दिक्कत होती है। जी सर, अच्छा, कितने साल से परेशानी है सर आपको? ये 2 साल से परेशानी है मेरे को 2 साल से परेशानी है। जी ठीक है। क्या होता है परेशानी में, जैसे 2 साल पहले क्या दिक्कत हुई? सर। कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, अचानक लिखते लिखते मेरे को ये हो गया, हाँ और तो मैंने सोचा कि ये मेरे को ऐसे ही हाथ में वो अपने सुन्न हो जाता है तो ऐसे हो गया होगा एक बार, हाँ तो मैंने उस दिन थोड़ा वो लिखना बंद कर दिया, मैंने पढ़ने लग गया, फिर हाँ मैं रात को सोया और अगले दिन भी वापस लाइब्रेरी में गया तो बस ये प्रॉब्लम मेरे को हो गई, बाद में अच्छा, मेरे को पता भी नहीं था कि ये बीमारी है तो कैसे जानकारी हुई इस बीमारी की आपको? सर। मैंने तो ऐसे ही वो यूट्यूब के ऊपर डाला था एक बार कि ये मेरे हाथ की जो ग्रिपिंग मतलब लिखने में कोई समस्या है तो मेरी राइटिंग कैसे ये होती जा रही है, तो फिर आपके वो मतलब ये फिर मेरे को पता पड़ा कि ये एक राइटर्स कैम नामक बीमारी है, बीमारी है। और फिर मैंने राइटर्स कैम के बारे में डाला तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के और उनके और वो आए, फिर बाद में मेरे आपके ये संजीवनी इसका पता लगा तो फिर मैं इसके बारे में और थोड़ा सर्च किया ठीक। तो उसके बारे में मेरे को फिर मैंने बात आपने अभी तक किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया? नहीं अभी सर, तक नहीं अभी दिखाया। किसी न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, मैंने हाँ एक जनरल फिजिशियन को दिखाया था हाँ तो उन्होंने मेरे को कुछ टेबलेट्स दी, एक तो मल्टी विटामिन्स की दी थी और एक विटामिन सी की या डी की ऐसे दी थी, और एक बिल्कुल छोटी टेबलेट और दी थी, तो उनसे मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला जब तक मैंने वो ली, तो ये हुआ कि एक तो यहाँ मेरे को दर्द नहीं हुआ हाँ ये इस हाँ इस दर्द में हाँ आराम मिला। दर्द और में आराम मिला, और एक ये जैसे अब जितनी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उतनी नहीं होती थी, मतलब अच्छा, थोड़ा हल्का रिलीफ मिला मेरे को ठीक। थोड़ा। राइटिंग में भी कुछ सुधार हुआ था? राइटिंग भी नहीं बेहतर हुई सर थी? राइटिंग में ऐसे सुधार तो नहीं हुआ था, पर पेन की ग्रिपिंग लूज नहीं होती थी, एक मैं जितना भी लिखता जाता था तो लिखते ही जाता था, दर्द वर्द नहीं होता था। दर्द नहीं होता था। फिर ठीक। सर वो दवा बंद कर दी, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ तो मैंने अब तो फिर उन्होंने कुछ मैं बीमारी का नाम बताया था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने मेरे को ऐसे कोई बीमारी का नाम नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने अच्छा, मेरी थायराइड की और ब्लड शुगर की और एक यूरिन की टेस्ट करवाया था कोई, तो वो सब मेरा नॉर्मल आया, ठीक है। वो ठीक ठीक रिपोर्ट तो मैं लेके अभी आया ठीक हूँ ठीक सर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए इसी पर्चे पे। हाँ इसी पे, हाँ जैसे मैं लिखता हूँ मेरा हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। रजिस्ट्रेशन हाँ 62004 6200 4। आज की डेट डालिए। डेट 09 02। आपका अंगूठे के पीछे की तरफ यहाँ पे गड्ढा भी पड़ रहा है ना, इस जगह पे, ये इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह। हाँ ये तो हाँ सर ये ठीक पेन सही नहीं पर होल्ड कर पा रहा है, इस वजह से ठीक होगा, हो ठीक सकता है, ठीक और क्या पता हाँ वो। मतलब इंडेक्स और फिंगर और थंब में थोड़ा तनाव दिख रहा है। जी सर ठीक है। और लिखिए इसको, एक पैराग्राफ लिखिए और जो दिक्कत होगी वो भी बताइएगा। जी सर इसी पे लिख हाँ दूँ। इसी पे लिखिए। बार बार आपको पेन सेट करना पड़ता पेन है। सेट करना पड़ रहा है मेरे को, और ये जो है बिल्कुल ये ग्रिपिंग है वो एकदम पकड़ नहीं हो पा रही है, और ये उंगलियां बिल्कुल ये पेन बिल्कुल फ्री है, अब उंगलियों का इसके ऊपर कोई वो नहीं है कोई जो पकड़ नहीं है। पकड़ नहीं ये है, पेन जो है मिडिल फिंगर पे बिल्कुल रखा हुआ रखा है हुआ और है, ऊपर से इन दोनों ने उसको रोक रखा रोक है कि रखा निकल है, के भाग ना जाए। निकल के भाग न जाए। सही कह रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ, और जो एक पकड़ होती है इंडेक्स फिंगर से और थंब से, वो ग्रिप नहीं है। नहीं है, हाँ और
जैसे अब मैं अक्सर की जो ये है मतलब वो भी मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ। हाँ ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं झुंझुनू का हूँ, झुंझुनू, राजस्थान। राजस्थान। हाँ ठीक। तो ये जैसे जैसे लिखते जाएंगे राइटिंग और गड़बड़ होती जाएगी गड़बड़ और होती तनाव जाएगी होता और जाएगा तनाव और होता दिक्कत। जाएगा तो बिल्कुल। क्या क्या दिक्कत होगी ज़्यादा लिखने पर अगर ये पेज लिखें तो? एक पेज लिखेंगे तो सर यहाँ से दर्द होने लग जाएगा, एक तो और इन यहाँ इस खड्डे में, अच्छा ठीक है। और और ये ये मतलब जो उंगलियाँ हैं हाँ इनमें ऐसे एक तो गड्ढा सा पड़ जाएगा और ये हाँ ऐसे बार बार स्लिप होती स्लिप रहेंगी, होता रहेगा। ठीक ठीक है। और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा कस के पकड़ूंगा तो यहाँ पे भी वो थोड़ा पेन का वो निशान विशान हो जाता है ठीक और ये इनमें भी फिर दर्द होने लग जाता है, ठीक और ये है सर बीमारी। ठीक है।